बार रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लक्सर के लिए ट्रेन लेनी है और हमने ट्रेन का टिकट परचेज कर लिया है जो कि काफ़ी महंगा है, वो है $21 का और वो भी सेकंड क्लास का, ये वो टिकट है। और जो लोकल है पीपल यहाँ के उनको बहुत सस्ते में टिकट मिलती है, उनको खर्च करने होंगे करीब 200-250 रुपये और हमें $21। और चलिए देखते हैं कैसी ट्रेन है। ये रिजर्वेशन या टिकट काउंटर कैसे ट्रेन लेने जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 2 शायद यही है, देखते हैं ट्रेन कौन सी है। प्लेटफॉर्म चेंज करा है, ये ट्रेन है पता नहीं ये वाली है क्या, या ये वाली है। तो फ्रेंड्स ये अपनी ट्रेन है, ये कोच है, चलते हैं इसके अंदर। हेलो, इस तरह से सीट्स हैं। ये अपनी सीट, चलो बैठते हैं। से लुक्सर पहुंचने में 3 घंटे का टाइम लगा, अभी बज रहे रात के 9 और देखते हैं अब होटल का क्या रहता है और कैसे कंटिन्यू करेंगे आगे, चलो देखते हैं। लुक्सर स्टेशन का टिकट काउंटर और एग्जिट करते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है, मार्केट है सामने, कोई ऑफिस है जनरल अथॉरिटी हेल्थ केयर और ये है दोस्तों लुक्सर स्टेशन। अब हमें जाना है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जाने के लिए हमने बोट ली है और बोट अब चलने वाली है, देखते हैं वेस्ट बैंक। ये है राइडिंग एरिया, लग्जर टेंपल के पीछे है। रात के बज चुके हैं 11:30। भाई पहुंच चुके हैं वेस्ट बैंक, बिल्कुल सन्नाटा है। ये देखो सन्नाटा, चलते हैं अब। चलो लग्जर इजिप्ट में पहली सुबह, खुला आसमान,
मौसम अच्छा है और पूल अभी क्लीन हुआ है, तो चलिए पूल में चलते हैं। पानी बहुत ठंडा नहीं है पर ठंडा है। ओह माय गॉड, कल मैंने बहुत ट्रैवल किया। कल मैं आसमान से गया आबू सिंबल, आबू सिंबल से वापस आया आसमान, और आसमान से मैंने ट्रेन ली। ट्रेन लेकर पहुंचा मैं लग्जर, और करीब 12 बजे रात को मैंने होटल में चेक इन किया। होटल का नाम है ओएसिस गेस्ट हाउस। होटल अच्छा है, होटल का ये पूल है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। कोई गेस्ट लेकिन इसमें नहीं था, मैं ही केवल एक सिंगल गेस्ट था कल रात। तो चेक इन की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कैसे मैं होटल में पहुंचा और मुझे क्या क्या दिक्कत और तकलीफ़ें हुई होटल पहुंचने में, ढूंढने में। फ़िलहाल तो पूल में अपनी थकान मिटाते हैं और पूल का मज़ा लेते हैं। दोस्तों ये थी अपनी होटल की एंट्रेंस के लिए जो गली है। कल रात लग्जर वेस्ट बैंक जब मैं नाइल रिवर क्रॉस करके पहुंचा, 12 बजे का टाइम था, मुझे अपने गेस्ट हाउस में जाना था, तो कुछ इस तरह का व्यू मेरे आगे था। रात के 12 बज रहे थे, एकदम सन्नाटा, सड़क पे कोई नहीं, बिल्कुल अंधेरा, दूर दूर तक कोई नहीं, बस केवल गूगल मैप्स का सहारा था। कुछ इस तरह की कंडीशन थी रात को। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि प्लीज़ अगर अपने होटल में जाना हो तो प्लीज़ टाइमली चेक इन कर लें, अदरवाइज़ इस तरह की सिचुएशन होगी। अभी तो एक दो लोग दिख भी रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 8 बजे का टाइम है रात के, और होटल का कोई साइन बोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, बस केवल गूगल का सहारा था। तो ये सिचुएशन थी रात को 12 बजे। बाकी अब सब लोग जानते ही हैं कि इजिप्ट किस चीज़ के लिए फेमस है, और जब मैं प्रॉपर्टी पर पहुंचा, प्रॉपर्टी के बाहर ही बिल्कुल घूप अंधेरा था, कोई आदमी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई गेस्ट भी नहीं था। बड़ी मुश्किलों में ढूंढ ढूंढ कर मैं पहुंचा। काफ़ी देर खटखटाने के बाद वहाँ से एक बंदा निकल कर बाहर आया, मुझे तो वो भी कोई चर्सी लग रहा था, बट वो प्रॉपर्टी का ही एक एम्प्लॉय था। एनी हाउ जैसे तैसे उसने लाइट्स ऑन करें और मुझे मेरा रूम दिया। सारा एक्सपीरियंस काफ़ी स्कैरी था, तो इसलिए प्लीज़ जब भी चेक इन करें होटल में टाइमली करें, अदरवाइज़ किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप फंस सकते हैं और आपका सीन डाइसी हो सकता है। ये थी होटल की एंट्रेंस जिसमें अब लाइट जल रही है, कल यहाँ बिल्कुल घूप अंधेरा था। सामने एक ये गेट भी बंद था, सामने एक छोटे से गेट में जब मैंने एंट्री करी
एनीवन देर कह के, कोई नज़र नहीं आया। बड़ी मुश्किलों में एक बंदा निकला और उसने मुझे एंट्री कराई। सो प्लीज़ टाइमली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे, ज़्यादा लेट ना करें, खासकर ऐसी जगह जिसके बारे में आप जानते ना हों।